तीसरी कमजोरी होती है विटामिन डी, विटामिन बी 12, न्यूट्रिएंट्स की कमी से। न्यूट्रिएंट्स किसी भी चीज़ की जो डेफिशिएंसी है ना, डेफिशिएंसी से। और एक कमजोरी होती है अष्ट धातु पुष्ट नहीं होती, और एक कमजोरी होती है खाया पिया हजम नहीं होने से, खाया पिया हजम नहीं होता उससे कमजोरी होती है। ये कमजोरी के पांच कारण बताए और ये बड़ी समस्या है पूरे हिंदुस्तान की। फिर डायबिटीज के बाद मैं अगली बातों पर आऊँगा, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल और तमाम तरह की जो छोटी मोटी बीमारियां हैं। देखो, हीमोग्लोबिन की कमी है तो हरी सब्जियां खाओ लोग, और सुबह सुबह आंवला एलोवेरा का जूस पियो, टमाटर का सूप पियो सुबह सुबह। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कपालभाति। मैंने जब से कपालभाति किया है उससे पहले मेरा हीमोग्लोबिन 12 रहता था कपालभाति करने से पहले। जब से मैं कपालभाति करता हूँ 20 साल से ज़्यादा का कालखंड हो गया, उससे पहले मैं आसन और व्यायाम ज़्यादा करता था, दौड़ लगाता था, 500 दंड बैठक लगाता था, कुश्ती करता था। लेकिन जब से मैंने प्राणायाम करना शुरू किया है पिछले करीब 20-25 वर्षों से, मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है लगातार 25 वर्षों से। उससे पहले तो चेक ही नहीं करवाया था, जब चेक करवाया था उससे पहले तब मेरा 12 था, मुझे पता है। तो जो कपालभाति करेंगे उनमें कमजोरी नहीं आएगी। दूसरी बात, अंडरवेट। तो अंडरवेट क्या करें, ओवरवेट के लिए तो हम बहुत बताते रहते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खाओ, गोमूत्र पियो, मेदो हर लो, ये अपुष्ट आहार दलिया लो, कपालभाति करो, गर्म पानी पियो, बहुत उपाय बताते रहते हैं। ये अंडरवेट बड़े परेशान रहते हैं, बोले बाबा जी हमारा भी कभी नंबर ले लिया करो। तो जो अंडरवेट है उनको भी कमजोरी लगती है, तो अंडरवेट क्या करें। अंडरवेट के लिए सबसे अच्छा है डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। डेट्स, डेट्स कितनी सस्ती हो कितनी महंगी हो समान रूप से लाभ करती हैं। कोई महंगी सस्ती तो उपलब्धता के आधार पर है, लाभ के आधार पर सभी तरह की खजूर वजन बढ़ाती हैं। लेकिन खजूर जो है बाजार से लेके जो आते हो ना सस्ते वाली, उसको धो लिया करो। कुछ इतने बावड़े हैं लोग, खजूर लाएंगे बाजार से और उसको बिना धोए खा जाते हैं। मैंने कहा इसको धो तो लिया करो। बोलो बाबा जी इसके विटामिन्स निकल जाएंगे। अरे मैंने कहा विटामिन नहीं निकलेगी, गंदगी निकलेगी, बावड़े धो के खाया करे इसको, विटामिन निकल जाएंगे। खजूर भी धो के नहीं खाते, खजूर धो के खाया करो, अंजीर मुनक्का आदि धो के खाया करो। और ये जो किशमिश है ना, इसको भी गंधक से, सल्फर से प्रोसेस करते हैं तब तो इसका ये कलर आदि मेंटेन होता है, इसको भी धोके खाया करो। हर चीज़ को धोके खाना चाहिए। खैर, डेट खाओ, केला खाओ, 4 केले सुबह दूध के साथ खाओ और दूध में घोट के पी जाओ। क्या बोलते हैं, बनाना शेक, बनाना शेक पियो, फिर शाम को दूध के साथ पी जाओ, दोपहर को केला दही के साथ खा जाओ, 4, 4, 4, 12 एक दर्जन केला रोज खाओ, और 2-3 महीने में तो एकदम पूरा वजन बढ़ जाएगा। आजकल वजन बढ़ाने के चक्कर में लोग क्या क्या जहर खा रहे हैं, बावड़े हो रखे हैं और पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या डाइट खाते हैं। केला और आम सबसे ज्यादा वजन बढ़ाते हैं, तो आम को भी दूध में मिल्क शेक बना के पियो, केला का मिल्क शेक, आम का मिल्क शेक, नहीं तो आम खाओ ऊपर से ठंडा दूध पी लो, आम गर्मी भी नहीं करेगा और वजन बढ़ जाएगा। वैसे तो सबको पता है जो आम वाले इलाके के लोग हैं जो आम खाते हैं ना, उनका आम के सीजन में 3 से 5 किलो वजन बढ़ जाता है, फिर घटाना पड़ता है बाद में। तो ये आम से वजन बढ़ता है, केला से वजन बढ़ता है, डेट से वजन बढ़ता है। अब वजन बढ़ाने के लिए माताओं के लिए स्पेशल उपाय और माताओं की कमजोरी के लिए भी, शतावर। शतावर चूर्ण खाने से एक तो जिन माताओं बहनों की ब्रेस्ट पूरी नहीं होती है तो उनके स्तन उभर जाते हैं, पूरे आ जाते हैं, नहीं तो किसी किसी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है ब्रेस्ट पूरी विकसित ना होने से। ब्रेस्ट में के साथ साथ माताओं के स्तनों में दूध भी पूरा उतर आता है, और जो जनरल वीकनेस रहती है ना, कमजोरी, जैसे एक तो हो गया ना, जैसे खाया पिया लगता नहीं या
डाइट पूरी नहीं मिलती, जैसे पूरा पौष्टिक आहार ना मिलने से भी कमजोरी रहती है ना, तो पौष्टिक आहार भी ना मिले ना, माने दाल रोटी सब्जी भी मिले, तो आप शतावर का एक चम्मच, एक शतावर एक चम्मच, और इसमें भी जो पीला शतावर होता है ना, पीला शतावर विशेष लाभ करता है।